हाय स्टूडेंट्स, मुन्ना सर एडुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू चैप्टर चालू करेंगे, इसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम लोग एपी हो गया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आज चालू करें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में का क्या है, पहले फॉर्मूला क्या है, ए जो है फर्स्ट टर्म मानते हैं कॉमन रेशियो, इसमें हमेशा एक कोई चीज़ इंटू होते होते जाता है या डिवाइड होते होते जाता है। जैसे आगे वाले प्लस या माइनस होता था तो इसमें इंटू या डिवाइड होता है। कॉमन रेशियो मान लेते हैं आर है, तो यहाँ पे एन टर्म निकालने का फॉर्मूला है टी एन ए आर एन माइनस वन, जहाँ पे ए फर्स्ट टर्म है, आर है कॉमन रेशियो। सम सम निकालने क्या फॉर्मूला, ए वन माइनस आर एन वन माइनस आर, जब जो आर का वैल्यू कॉमन रेशियो माइनस होता है वन के बीच में हो, ज़्यादातर ए वाला लगता है नीचे वाला। ऐसा क्या ए आर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, जब आर का वैल्यू ग्रेटर देन वन हो या माइनस वन से कम हो, जो भी है पॉजिटिव के तरफ में हो तब इसी को लिया, दोनों के बीच में होगा फ्रैक्शन में होगा तब ये लगाना, अदरवाइज ये हमेशा ए वाला लगेगा ग्रेटर देन पे, ठीक है। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या, बी इज इक्वल टू रूट ए सी, यानी दो नंबर दिया जाएगा तो क्या दोनों नंबर का रूट निकालना, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बी इज इक्वल टू रूट यानी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ऐसे भी याद रखा जा सकता है। अच्छा, अरिथमेटिक मीन जो है हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या इक्वल के बराबर होता है, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तीन टर्म के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, एक तो ए बाई आर, एक तो ए और ए आर, चार टर्म के लिए एक तो ए बाई आर क्यू, ए बाई आर, ए आर, ए आर क्यू, फाइव टर्म्स के लिए ए बाई आर क्यू, ए आर, ए आर, ए आर स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक बात है कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इट इफेक्ट द जीपी। जैसा हम लोग जानते थे कि अरिथमेटिक प्रोग्राम में एडिंग या सब्ट्रैक्शन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पे क्या पड़ता, फर्क पड़ता है। अच्छा, दूसरा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड इज नॉट इफेक्ट द जीपी, यहाँ उल्टा है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड लेकिन यहाँ फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ लेकिन पड़ता था, यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड जो है सो फर्क पड़ता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में क्या दे, देखो थर्ड टर्म जी पी का बी है तो कॉमन रेशियो आर है, तो क्या निकालना है, इसका फर्स्ट टर्म निकालने बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसका देखते हैं, इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया, टी एन मान ले ए आर एन माइनस वन, ठीक है, तीसरा टर्म दे रखा था, बोला था तीसरा टर्म के बारे में बात, तो टी थ्री निकाल, टी थ्री थी ए आर टी आर माइनस वन, टी थ्री बी था, बी बैठा दिया ए आर स्क्वायर, यानी अब ए आर स्क्वायर एज इक्वल क्या होगा, बी नीचे उतार दिया बी बाई आर स्क्वायर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, इन द जी पी द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स इज इतना, तीन टर्म्स का प्रोडक्ट इतना है, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए बोल, हम क्या करें तीन नंबर को मान लिया ए बाई आर, ए और ए आर, तीनों का प्रोडक्ट दिया, तीनों को इंटू किए तो ए क्यू आर आर तो कट गया, ए क्यू इक्वल इतना थ्री बाई टू आ गया। अब मिडिल टर्म मतलब ए का जगह बैठा दिया तो मिडिल टर्म ए था, ये बैठा मिडिल टर्म ही पूछा था, ए माने थे थ्री बाई टू हो गया, ओके। नेक्स्ट तीन नंबर क्वेश्चन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर इतना दे दिया, तो वन नंबर सोलह हो तो दूसरा नंबर क्या होगा, हम लोग जानते हैं ज्योमेट्रिक मीन जो बी होता है इक्वल रूट ए सी होता है, ज्योमेट्रिक मीन दे रखा था बारह, और रूट ए सी क्या हो जाएगा, एक ठोकर 16 माने तो दूसरा तो मतलब नहीं मालूम है तो सी लिख दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए 144 आ गया, बस सी इक्वल निकाल दे तो आ गया अदर नंबर 9। चार नंबर क्या दिया हुआ, फाइव नंबर इन द जी पी है जिसमें प्रोडक्ट इतना है, तो थर्ड नंबर क्या होगा निकालने के लिए बोल रहा है। देखो तो चार नंबर क्या होगा, पाँच गो नंबर है, ए बार से इस तरह का सब पाँच गो नंबर मान लिया, उन लोग का प्रोडक्ट दिया था तो प्रोडक्ट को इंटू किए तो ये सब कट के ए का फाइव आया, और ये टेन था इसको थ्री थ्री पावर स्क्वायर का फाइव लिख दिया, तो हम जानते हैं दोनों का ऊपर पावर से हमेशा हट जाता है, यानी एज इक्वल टू थ्री पावर स्क्वायर यानी एज इक्वल टू नाइन। अब थर्ड टर्म निकाल तो थर्ड टर्म ही तो ए था, दैट्स व्हाई ए आ गया अपने आप, ठीक है। पाँच नंबर क्वेश्चन क्या दिया, एक्स 555 का आर जी पी है तो एक्स का वैल्यू निकालने बोल रहे, सिंपल इसमें बैठा दिए तो जी पी जो 15 15 लिख दिए, दोनों नंबर फर्स्ट और लास्ट वाला को इंटू कर दिए, फिर उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए तो एक्स का वैल्यू आ गया, ठीक है। छः नंबर क्या है, थ्री अनइक्वल रियल नंबर एंड जी पी एंड देयर रेसिप्रोकल आर, अगर कोई थ्री नंबर्स अगर आपस में रियल नंबर में जीपी में हो तो उसका रेसिप्रोकल में क्या संबंध होगा, ठीक है देखते हैं। अब देखो तीन को नंबर मान लेते, एक तो वन बाई टू, टू और फोर यानी जीपी मान लिया हम, तो रेसिप्रोकल मतलब उसको उल्टा, तो क्या लिखेंगे, ये टू हो जाएगा, ये वन बाई टू होगा, फोर हो जाएगा, तो ये भी देखो जीपी में ही है, अगर इसमें टू इंटू इंटू करके जाते, इसमें देखो टू इंटू करते कर टू इसमें क्या डिवाइड होते तो जा रहा है, बात एक ही है। अच्छा, हम लोग जानते हैं मल्टीप्लीकेशन इज नॉट इफेक्ट द जी पी, कोई चीज़ इंटू करेंगे या कोई चीज़ डिवाइड करेंगे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, ठीक है। दैट्स मीन्स इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा बी, यानी जी पी में ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सात नंबर क्या था, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन और टू अनइक्वल, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या रिलेशन है, हम लोग तो जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, इसको प्रूफ करना होगा, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूफ करने का तरीका है देख लो क्या है, ए बी सी डायरेक्ट लिख सकता है लेकिन प्रूफ करके भी आप दिखा दे रहे हैं, ए हम मान लेते हैं ए बी जो है अगर ए पी में हो तो अरिथमेटिक मीन निकालने का क्या फॉर्मूला, ए प्लस बी बाई टू तुमको मालूम है। अच्छा, ए बी अगर जी पी में हो तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का क्या फॉर्मूला, रूट ए बी होता है। अच्छा, नाउ हम जानते हैं हमेशा किसी का भी इसको ले लें, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो, किसी का भी स्क्वायर हमेशा जीरो से ज़्यादा ही होगा,
जैसे इसको ले लिए, अब इसका फॉर्मूला डाले ए स्क्वायर का ए बी स्क्वायर का बी माइनस टू ए बी लिखे इक्वल टू जीरो, अब टू ए बी को उस साइड लेगा टू ए बी हो गया, अब बस ये टू को नीचे उतार दिया। तो देखो इसका जगह तो हम लिख सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन, इसका जगह लिखते हैं ज्योमेट्रिक मीन, यानी आ गया अर्थमेटिक मीन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये डायरेक्ट भी लिख सकता है, प्रूफ करके भी दिखा दिए। ओके, अब चलते हैं आठ नंबर, स्टेट फीचर ऑफ फॉलोइंग नॉट ट्रू, इसमें कौन सा सही नहीं है। देखो कॉमन रेशियो ऑफ जी पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं कॉमन रेशियो कभी भी पॉजिटिव नहीं भी हो सकता, हमेशा हमेशा पॉजिटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होता है नेगेटिव भी हो सकता है, दैट मीन्स ए वाला ही जो है बात गलत है, यानी इसी को लिखना होगा, यानी ए होगा ऑप्शन। ठीक, अब नौ नंबर, नौ नंबर क्या, तीन वो टर्म दिया जी पी में तो एक्स का वैल्यू निकालने बोला, बहुत ईजी, उसी तरह का आगे भी किए थे, जस्ट नंबर बी इज इक्वल टू रूट ए सी बैठा दिए, नंबर बैठा दिए, फर्स्ट साइड इंटू कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, एक्स का वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, चलते दस नंबर, जैसे आठ टर्म इतना दिया हुआ तो टी टू फॉलोइंग थे फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म कितना, बस टी फोर निकालना है इसमें। ठीक है, उस टर्म बैठा देते हैं, अब देखो टी आर जी को इतना दिया हुआ था, आर का जगह फोर बैठा दिए, बैठाने से क्या हो जाएगा, जस्ट सॉल्व करते गए तो अपने आप आ गया माइनस बत्तीस। ठीक है, ये था दस नंबर। ग्यारह नंबर देखो, स्टेट फीचर ऑफ फॉलोइंग एट टर्म ऑफ द जी, इसका एट टर्म कितना होगा बोल के हमको बता रहा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिखे, लिखना फर्स्ट टर्म कितना उसका देखे, कॉमन रेशियो कितना है, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट होता है तो सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट सिक्स बाई टू थ्री आ गया। अब टी एट निकालना है, टी एन का फॉर्मूला क्या, ए आर एन माइनस वन, तो एट का जगह यहाँ पे एन का जगह एट हो गया, एट बैठा दिया, ए आर सेवन, ए का जगह टू था, आर का जगह थ्री जब सेवन, टू इंटू टू थ्री पावर सेवन हो गया। ठीक है, बाद में क्वेश्चन, दिस तीन को वैल्यू जी पी में हो इसका एक्स का वैल्यू निकालना, ये भी बहुत ईजी है, ये भी क्या करें, ज्योमेट्रिक मीन लिए रूट ए सी, एक्स का वैल्यू पुटिंग कर दिए बस, तो दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, फिर दोनों को बाहर निकाल दिया आ गया। ठीक है, उसका तेरह नंबर क्वेश्चन, फोर इज मल्टीप्लाई टू ईच ऑफ द जी पी रिजल्टिंग इन सीरीज इज, हमको पता है, हम बताए थे कोई भी टर्म अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन से कोई इफेक्ट नहीं करता है, यानी वो नंबर क्या होगा, वो नंबर भी तुम्हारा जी पी में ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर इज एडेड टू ईच ऑफ द जी पी रिजल्टिंग सीरीज, हाँ हम ये बोले थे अगर कोई चीज़ ऐड होता है तो वो लेकिन अफेक्टेड होता है, अगर इफेक्टेड होगा तो क्या होगा ये तो हमको पता नहीं है, दैट्स व्हाई क्या लिखेंगे हम लोग, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। ओके, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, तो इसका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन चैप्टर का चालू किया, सेकंड टर्म ऑफ जी पी इज बी एंड कॉमन रेशियो इज आर है, तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स इज जी पी चौंसठ तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो लेट द नंबर, तीनों नंबर मान लिए ए बाई आर, ए और ए आर। ठीक है, अब तीनों को प्रोडक्ट दिया था, प्रोडक्ट कर लिए चौंसठ, तो ए क्यू इक्वल चार का क्यू, ए का वैल्यू आ गया। अब टी टू दिया हुआ था सेकंड टर्म, सेकंड टर्म बी बोला था तो टी टू इज इक्वल टू ए, ए ले लिए, तो एक का जगह टी टू बोला था बी बैठा दिया, बी इज इक्वल टू ए आ गया, बी का जगह फोर बैठा दिया आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द नाइन्थ एंड क्यूथ टर्म ऑफ द जी पी, इसका नाइन्थ टर्म निकालना है और क्यूथ टर्म निकालना है। पहले तो सीरीज जो था उसको लिखे, इसमें देखो एक का टर्म तो फोर है, आर क्या होगा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, डिवाइड किया तो माइनस टू आया। अब नाइन्थ टर्म निकालना था, टी नाइन इक्वल ए आर एट बैठा दिया, एन माइनस वन बैठा है तो ए नाइन माइनस वन मतलब एट आया, डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब फोर बैठा दिया, इसका वैल्यू पुटिंग कर दिए, जस्ट माइनस को आठ बार गुना किया गया तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हट जाएगा, एट फाइन टू टू पावर एट, टू छः छप्पन इंटू कर दिए हो गया। उस ए आर क्यू टर्म है तो क्यू माइनस वन हुआ, अब माइनस टू का क्यू माइनस, अब ये तो हमको पता नहीं कि क्या है, ऑड है कि पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम क्या किया इसको, तो टू था टू इंटू माइनस वन क्यू टू पावर माइनस वन को, माइनस वन को अलग कर दिए। अब जी ये दोनों था, इस चार को दो का स्क्वायर लिख दिया, टू का क्यू माइनस वन, ये दोनों के दोनों पावर ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा, क्यू प्लस वन हो गया, ये जस्ट ऐसे वैसे ही करके रख दिया गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, इफ द पी प्लस क्यू टर्म ऑफ जी पी ए एंड पी माइनस क्यू टर्म जो है जो बी है तो डिटरमाइंस पी टर्म। ठीक, पहले टी पी प्लस क्यू टर्म लिए, ए आर पी प्लस क्यू माइनस वन, इसका पहले ए था बैठा दिए। अब इसमें हम एक्स वाई इसलिए दिए, फर्स्ट टर्म को एक्स, सेकंड टर्म को वाई अलग मान लिया क्योंकि ए पे क्वेश्चन था, इसलिए फर्स्ट टर्म को एक्स, कॉमन रेशियो को वाई मान लिए, इसको इस तरह लिए। फिर टी पी माइनस क्यू में उसी तरह पुट कर दिया अभी। अब क्या करें, जो आने के बाद ए और बी आने के बाद यहाँ पे हमने क्या दोनों को इंटू कर दिया, जस्ट इंटू के इंटू कहने के इधर भी इंटू हुआ तो एक्स और एक्स टू इंटू एक्स स्क्वायर हो, ये दोनों पावर ऐड हुआ, ऐड हो गया, ऐड होने के बाद टू पी माइनस टू आया। अब यहाँ पे देखो कि एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ देखो टू पी माइनस टू है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ टू कॉमन ले लिए, टू कॉमन लेकर बाहर ले लिए और दोनों को अंदर घुसा दिए, एक्स वाई पी माइनस टू का होल स्क्वायर। अब ये इसका जगह तो ये भी था, इसको लिख दिया एक्स वाई पी माइनस टू का होल स्क्वायर, बाहर लिख दिए। अब यहाँ देखो ठीक से, एक्स पी वाई पी माइनस वन किसका फॉर्मूला, ये जो रूट स्क्वायर था तो इधर क्या रूट हो गया, अभी किसका फॉर्मूला, एक्स वाई पी माइनस वन टी पी का फॉर्मूला होता है,
है, टीपी टर्म है, यानी टीपी का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस रूट एपी। ओके अब ये क्या पिच टर्म ऑफ द जी पी इज दिस 243√2 जो है ये कौन सा टर्म है इसका, पहले तो जो था इसको लिख दिया गया, फर्स्ट टर्म लिख लिए, कॉमन रेशियो निकाल दिया डिवाइड करके, टी एन ए आर एन एस वन, टी एन मान लिया 243√2 दिया था वो, अब इसको क्या करें फॉर्मूला बैठा टू 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 कट गया 243 मेथड। अब इसको क्या करना है, देखो ये 3 का √3 मेथड में से लिखा 243, 243 को लिखना 3 का 5, अब यहाँ तो रूट थ्री, इसको रूट थ्री करना होगा, रूट थ्री करने का तरीका इंडेक्स में सीखा है, डबल कर देते हैं, रूट थ्री तो डबल होगा तो कितना हो गया 5 का स्क्वायर, 5 × 2 मतलब 10 हो गया, अब रूट थ्री सेम हो गया वो पता है, इंडेक्स का बेस हट गया तो एन माइनस वन इक्वल 10 हो गया, तो एन इक्वल टू क्या हो गया 11, 243√3 जो होता है वो कितना टर्म है, 243√2 जो है वो इज़ द टर्म ऑफ द जी पी, 243√3 इज़ द 11th टर्म, इज द 11th टर्म ऑफ द जी पी। ओके नेक्स्ट 0.1 ये ब्रैकेट ये जो 3 to 4 घर छोड़ा है ये ला दिया हुआ, फिल द ब्लैक इस सीरीज को निकालने के लिए बोल रहे हैं। पहले तो फर्स्ट टर्म 0.1 पता है, और ये कितना है 4, 5, 6 टर्म है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे, T6 = AR5 होगा, इसका जगह बैठा दिया 32 पे को तो 2, 2, 4, 4, 2, 6 को था, 6 को 0 लिख दिए, 0.1 × R5 1.1/10 लिख दिया था, अब इसको क्या गया 5 = 32/ इतना लिख दिया गया, R5 तो था इसको 2 का पावर 5, 10 का पावर 5 लिख दिए, बस हट गया R = 2/10 और 0.2 क्या सब में इंटू करते करते गए तो 0.2 आ गया, फिर 0.2 × 0.004, 0.008, 0.0016, बस आ गया जो टर्म चाहिए था हमको, चार को टर्म जो है आसानी से जस्ट इंटू करते गए, इंटू करते गए तो आते गया 0.2, सब में इंटू करते जाना आते जाएगा। ठीक है अब इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दिस एंड, जैसे एपी वाला निकालते थे इस तरह जी पी का वाला निकालना होगा, इसका 4 को निकालना है, आप इसको लिख दिए 7 5 4 2 अंदर लिखना, लिखना G1 G2 जो ऐसे ऐसे लिख दिए 56, तो फर्स्ट टर्म 7 5 4, लास्ट टर्म कितना 4 5 6, ये 6th टर्म है, यानी T6 = AR5 56, वैल्यू पुटिंग कर दिया, आ गया आर का वैल्यू 2, बस इसमें क्या 2 × करते जाते, मतलब 4 में 2 × 7/2, ठीक है फिर इसमें 2 × 7 आ गया, फिर 2 14 ऐसे कर कर निकाल दिया सब। ठीक है अच्छा उसका क्वेश्चन, इफ थी अनइक्वल रियल नंबर जो ए बी सी है तो जी पी में, तो ए प्लस सी जो है ग्रेटर देन 2 भी होगा, प्रूफ करो, तो हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर इक्वल ए सी होता है, तो बी इक्वल रूट ए सी, अच्छा ए माइनस बी से का होल स्क्वायर ले लिया, आ गया तरह तो 2ac आ गया, फॉर्मूला डाल दे 2ac उस साइड आ गया, यानी देखो ए प्लस सी 2 हो गया प्रूफ। ठीक है तो इतना तक के अंदर तुम्हारा जो है वेरी शॉर्ट का सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चलो, ओके थैंक यू।